जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। दोस्तों नवरात्रि के अगर आपने पूरे 9 व्रत रखे हैं या फिर आपने पहला या आखिरी व्रत भी रखा है तो भी आपको माता के इन पवित्र 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है और माता इससे बहुत अधिक और बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं अब आपके लिए हर रोज़ नया अध्याय दुर्गा सप्तशती का लेकर आऊँगी, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जल्दी से बेल आइकन को टच करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। जो मैं कह रही हूँ दोस्तों उसको आप जरूर दोहराइएगा। इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु, देवता महालक्ष्मी, छंद ऊष्णिक, शक्ति शाकंभरी, बीज दुर्गा, तत्व वायु और स्वरूप यजुर्वेद है। मैं श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप आंख बंद करके ध्यान से सुनिएगा और मेरे शब्दों को मन ही मन दोहराइएगा। मैं कमल के आसन पर विद्यमान प्रसन्न मुख वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान वंदन करता हूँ या करती हूँ। दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और देवताओं की पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का सारा वृतांत कह सुनाया कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीन कर वह स्वयं सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुष्टात्मा ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचर रहे हैं। अतः हे प्रभु, हम सब आपकी शरण हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए ताकि स्वर्ग में देवताओं का राज्य स्थापित हो सके। इस प्रकार देवताओं की दुर्गति का समाचार पाकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी तन गई तथा मुख रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब तेज मिलकर एकत्रित हो गया। तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे ज्वाल्यमान पर्वत हो। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु जी के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, नासिका, कुबेर के तेज से, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौएं, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए।
तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। सहस्त्रों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से निकाल कर वज्र और आयुध दिया तथा इरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भेंट किया। यमराज ने काल दंड, वरुण ने पाश, स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोम कूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड़ग और ढाल भेंट किया। क्षीरसागर ने उज्जवल हार तथा दो दिव्य वस्त्र चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए और शुभ्र अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, पैरों की सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हसली और संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। देवी की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर वह दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथ सभी दिशाओं में फैले हुए थे। यह देख असुरों ने देवी भगवती के साथ युद्ध प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दशो दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक राक्षस 1,00,000 रथियों की सेना और असिलोमा नामक असुर 5,00,000 सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वाष्कल नामक असुर 60,00,000 रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1,00,000 रथ की सेना को साथ लेकर, विडाल असुर 1,50,00,000 सेना लेकर तथा और भी असुर सेना रथ, हाथी, घोड़े साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए 1,00,000,000 रथ, हाथी, घोड़ों के एक सेना के साथ युद्ध में आ गया। वे राक्षसगण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा, पट्टिश आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कई असुर भगवती पर शक्ति फेंकते तो कई पाश फेंकते थे। कई राक्षसों ने भगवती पर तलवार से प्रहार किया। देवी ने कई राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट दिया। तदनंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावनल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के हजारों हजार गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवार से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया।
कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़क से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस सीने पर चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए। कितने ही राक्षस बाणों से मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे। कितने ही भुजा विहीन हो गए। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। इस तरह बहुत सारे राक्षस धराशायी हो गए, लेकिन वे फिर खड़े हो जाते थे और देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों के धराशायी हो जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो घास को अग्नि में जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन के बालों को हिलाता था और देखते ही देखते शत्रुओं के प्राण हर लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इस तरह श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती का ये दूसरा अध्याय अब समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपने ये दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय बहुत ध्यान से सुना होगा। इसी तरह दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय का वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। व्रत त्यौहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।